कर रहे हैं, उनका सारा जो षड्यंत्र है ना वो जनता जान चुकी है। उनके गद्दारों को लिस्ट में उनका शामिल, झारखंड के गद्दारों को लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया। पहले चंपई सोरेन, अब लोबिन हबरम ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अब धीरे धीरे कहा जा रहा है जो जेएमएम के पुराने नेता थे अब धीरे धीरे बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, सबका ज्यादा पुत्र मोह, चाहे आप चंपा बाबू का देखिए, उनको भी पुत्र मोह, लोबिन बाबू का वो भी पुत्र मोह, ये सब जितना भी हो रहा पुत्र मोह में हो रहा। लेकिन जितना ग्राफ हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय हेमंत सोरेन जी का बढ़ा है और जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है, हम लोग का हौसला, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का हौसला और बुलंद है और हम लोग और ताकत के साथ मुकाबला के लिए तैयार है। असर रहेगा चंपई सोरेन का? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। कोल्हान और संथाल में माना जाता है कि बीजेपी कमजोर है, जिस तरीके से थाल से सीता सोरेन, कोल्हान से चंपई सोरेन गए, उसके बाद क्या 2024 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सीता सोरेन गई एमपी बनने के लिए और मुख्यमंत्री भी बनने के लिए, तो क्या असर हुआ? गीता कोड़ा गई, क्या असर हुआ? और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत नेता गए दूसरे जगह, क्या असर हुआ सब देख चुका है। और जिस तरह यहाँ की केंद्र सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी को बेवजह 5 महीना जेल में रखा है, उसका बदला लोकसभा में भी लिया है और विधानसभा में ज्यादा ले रहा है। झारखंड में राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है, आपके जो सम्मानित नेता चंपई सोरेन जी जो जेएमएम के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमें सम्मान नहीं दिया गया, और जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं और जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कोई हमला नहीं कर रहे हैं, उनका सारा जो षड्यंत्र है ना वो जनता जान चुकी है। उनके गद्दारों को लिस्ट में उनका शामिल, झारखंड के गद्दारों को लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया। पहले चंपई सोरेन, अब लोबिन हबरम ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अब धीरे धीरे कहा जा रहा है जो जेएमएम के पुराने नेता थे अब धीरे धीरे बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे नहीं, एक दो होंगे तो मेरे पास आए भी हैं। ठीक है, सबका ज्यादा पुत्र मोह, चाहे आप चंपा बाबू का देखिए, उनको भी पुत्र मोह, लोबिन बाबू का वो भी पुत्र मोह, ये सब जितना भी हो रहा पुत्र मोह में हो रहा। लेकिन जितना ग्राफ हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय हेमंत सोरेन जी का बढ़ा है और जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है, हम लोग का हौसला, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का हौसला और बुलंद है और हम लोग और ताकत के साथ मुकाबला के लिए तैयार है। कितना असर रहेगा चंपई सोरेन का? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। कोल्हान और संथाल में माना जाता है कि बीजेपी कमजोर है, जिस तरीके से संथाल से सीता सोरेन, कोल्हान से चंपई सोरेन गए, उसके बाद क्या 2024 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ सुनिए, सीता सोरेन गई एमपी बनने के लिए और मुख्यमंत्री भी बनने के लिए, तो क्या असर हुआ? गीता कोड़ा गई, क्या असर हुआ? और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत नेता गए दूसरे जगह, क्या असर हुआ सब देख चुका है। और जिस तरह यहाँ की केंद्र सरकार ने माननीय हेमंत सोरेन जी को बेवजह 5 महीना जेल में रखा है, उसका बदला लोकसभा में भी लिया है और विधानसभा में ज्यादा लेगा। एक आरोप जो जेएमएम के पुराने नेता जो लगा रहे हैं कि हमें भी ऑफर दिया जा रहा है बीजेपी में शामिल होने के लिए, धीरे धीरे बनने की कोशिश, ऑफर आपको भी दिया रहा, आप भी चल जाइए, चलिए कितना तो देख सकते हैं। अभी जो राजनीतिक परिस्थिति झारखंड में उत्पन्न हुई, जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल हुए, आज लोबिन हेब्रम भी बीजेपी में शामिल हो गए, तो काफी दिलचस्प हो गया है। आने वाला जो विधानसभा चुनाव इसी आखिरी साल में होने वाला है, तो कामस्केडी चलकुसा यहाँ जो क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा था, वहीं मंत्री जी भी पहुंचे हुए थे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़।